हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति, सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनएकेडमी का एजुकेटर। आज हम लोग देखिए आप स्क्रीन पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत सर सिक्स्थ संस्करण उद्देशिका पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उद्देशिका पढ़ने जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं। और उद्देशिका में जाने से पहले बार बार मैं कह रहा हूं, हिंदू द हिंदू को एक अभियान की तरह, हिंदी मीडियम अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके, तो आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कंपेयर करना पड़ेगा, उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। और इसलिए द हिंदू उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, हमें द हिंदू का बेहतर एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। डेली मैं सुबह 9 बजे लाइव आता हूं। आप स्वाभाविक है, आप जब भी चाहे इस लेक्चर को डेली मैं करता हूं, मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं होता क्योंकि उस दिन एडिटोरियल नहीं आते। तो आप ध्यान से इसे देखें सुने। 2 फरवरी को हिंदी माध्यम के वे बच्चे जो शुरुआत करना चाहते हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों पढ़ें द हिंदू, इस विषय पर एक मैं सेशन ले रहा हूं, द हिंदू और कैसे बनाए नोट्स और उस पर किस प्रकार से नोट्स बनाए। 2 फरवरी संडे 9 बजे सुबह, याद रखिएगा आप लोग, ये टाइम बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर भूल भी गए तो क्या करना है, यह लेक्चर जरूर देखना, इसी चैनल पर ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्लस प्लेटफॉर्म, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग की संकल्पना करते हैं वैसे हमारा ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा। और बहुत आसान है, बहुत बेहतर ढंग से आप यहां पर क्लासेस ले सकते हैं, देख सकते हैं हमारा प्लस प्लेटफॉर्म। फील लाइक यू आर राइट इन क्लासरूम, यानी यहां पर एजुकेटर्स होते हैं, टीचर जैसे मैं यहां आप चैट करते हैं, और ये पूरा का पूरा बोर्ड होता है, बिल्कुल ऐसे लगेगा आप घर में अपने बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने में कहीं, और आपको लगेगा कि दिल्ली में मेरे साथ आप कनेक्ट हैं। सारे प्रश्न सारे उत्तर बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे, याद रखिएगा। और ये प्लस प्लेटफॉर्म हमारा, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, मंथली भी हमारे पास पैकेज है और 1 ईयर 2 ईयर का है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप 1 ईयर या 2 ईयर वाले में ही आए। 1 वर्ष जो भी आएंगे आप, बहुत आसान प्रोसेस है। ऑनलाइन शॉपिंग आप करते होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी कभी ना कभी, तो स्वाभाविक है जो है सेम वही प्रोसेस है एडमिशन लेने की। अनएकेडमी ऐप प्लस हमारा जो है उसको आप डाउनलोड करें, या आप गूगल पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अनएकेडमी प्लस 1 सेकंड में आ जाता है एडमिशन लेने की प्रोसेस। तो प्लस पे आप जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ जो जो पूछता जाए भरते जाएं, फिर जब फीस का आएगा ऑप्शन तो वहां पर फीस लिखी होगी 40,000 एक साल की और 60,000 दो साल की। तो वहां पर आपसे रेफरल कोड मांगेगा, आप एसके लाइव यानी मेरा कोड एसके लाइव कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है आपको 10% का डिस्काउंट और 1 साल की फीस 36,000, 2 साल की 57,600। और स्वाभाविक है आप जिनसे पढ़ते हैं, जिनसे संतुष्ट होते हैं, आपको फॉलो हमेशा उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर में बहुत बड़े सहयोगी की तरह, वह मेंटोर, वह अध्यापक आपके रूप में दिखाई देते हैं। 2 वर्ष उन बच्चों के लिए एडमिशन लेने का जिनको, याद रखिएगा अभी वो एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो 2 ईयर्स अब इस प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसके बारे में। 2 ईयर कोर्स फॉर बिगिनर्स, एक कोर्स है फाउंडेशन बैच इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर 2021-22 2021-22 के लिए मैं एक इंटीग्रेटेड बैच यहां पर लॉन्च कर रहा हूं। 15 फरवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है। हर उस नए बच्चे को आमंत्रित करना चाहता हूं, याद रखिएगा, जो ये चाहता है कि वह यूपीएससी बड़े इजी वे में तैयार करे और क्रैक करे, जिसका टारगेट 2021-22 या 2023 है, याद रखिएगा। इस पर एक फ्री वर्कशॉप भी लूंगा, तो जो इंटरेस्टेड है वह उस फ्री वर्कशॉप का भी इंतजार करें, जिसमें पूरी हमारे उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे उस पर बातचीत होगी। तो इसके लाइव कोड आप लोगों को इस्तेमाल करना, याद रखिएगा। इसके अलावा जिन लोगों को प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स 2020 जो 31 मई को होगा, वो मेरे टॉप 50 चैप्टर्स के बैच में जुड़ सकते हैं। टॉप 50 चैप्टर्स का मेरा बैच है, और बैच कैसे चलतेगा ये देख सकते हैं, पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, प्लान है। 2 महीना केवल रिवीजन कोर्स होगा, अप्रैल और मई, तो बहुत क्लासिकल बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जिनका भी है, 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा, वो वहां जुड़ सकते हैं 1 फरवरी से, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य। अगर नहीं भी चुना है तो आपको अच्छा विषय ही चुनना चाहिए, अधिक अंकदायी है, इजी है, कॉपी चेक करने वाले हिंदी के ही होते हैं, इसलिए भेदभाव भी नहीं होता, तो आपको हिंदी रखना चाहिए वैकल्पिक विषय। चलिए
नहीं करना है। चलिए चलते हैं भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत सिक्स्थ संस्करण। और आज पहली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि उद्देशिका। तो उद्देशिका की पहले पृष्ठभूमि थोड़ी सी हम देखेंगे। उद्देशिका की पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है। उद्देशिका क्या है? उद्देश्य है, जरा शब्द पकड़े, उद्देश्य। जैसे आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है, किसी और व्यक्ति के जीवन का कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्यों होता है? क्योंकि उद्देश्य आपको दिशा प्रदान करता है, करता है कि नहीं करता। जैसे आपके लाइफ में अगर आपने कोई अपना उद्देश्य बना लिया, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो अब आपका उद्देश्य है आईएएस बनना, तो अब आपको एक दिशा चाहिए उस उद्देश्य को, और उस दिशा की खोज में आप निकल पड़े। और जब आप दिशा की खोज में निकले तो आप यूट्यूब पे आए, और यूट्यूब पे आपने ढेर सारी चीज देखी, फिर आपको लगा कि नहीं, अब हम इस प्लेटफॉर्म पर एम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक को सुनील सर से पढ़ करके एक दिशा प्राप्त कर सकते हैं, और वह दिशा हमें हमारे उद्देश्यों तक, हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। तो उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? उद्देश्य, जो आपको दिशा प्रदान करते हैं। और जब आपको दिशा मिलती है तो आप प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, और यही दिशा, याद रखिएगा, आपको प्रयास के लिए प्रेरित भी करती है और आपको एनर्जाइज भी करती है, ऊर्जावान भी करती है। जब आप प्रयास करते हैं तो यही उद्देश्य जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो लोग मूल्यांकन करते हैं कि आपने कैसे प्राप्त किया। मान लीजिए कमी रह गई, एक आध बार आप असफल हुए, तो फिर आप स्वयं भी और लोग भी आपकी आलोचना करते हैं कि इन इन कारणों से आप असफल रहे। तो वही है संविधान की उद्देशिका, जो हमारे शासन है, यानी जो हमारी संघीय संरचना है, उसको आधार प्रदान करता है, नागरिकों को आधार प्रदान करता है, उनके कर्तव्यों के बारे में बातचीत करता है। उद्देशिका शासन का आधार है, बेस है, यानी शासन को यही उद्देश्य प्राप्त करने हैं। तो शासन के उद्देश्य के लिए दिशा है, क्या है? उसी दिशा पर शासन चलेगा तो उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, अच्छा किया या बुरा किया। उम्मीद करता हूं उद्देशिका की संरचना को आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या कि जैसे उद्देशिका, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, तो स्वाभाविक है भाई, कहां से लिया? चूंकि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में एक यूनिट है आपकी, क्या है? एक यूनिट है भारतीय संवैधानिक योजना की, आप चेक करिएगा पेपर टू, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, ठीक है ना? तो स्वाभाविक है, आपने जिससे जो लिया है तो वो आपको पता रहता, तो आप बेहतर ढंग से, आप अगर कभी प्रश्न पूछे तो आप उसको टैकल कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, पहली चीज है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, किसको कहते हैं? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना? इसमें संविधान का सार होता है, क्या होता है? सार, याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक सार होता है। जैसे आपके जीवन का सार है कि आप क्या उद्देश्य लेके आए हैं, क्या आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य होता है, यानी वह सार होता है आपके जीवन का सार क्या है? वर्तमान में आप आईएएस बनना चाहते हैं, वैसे ही संविधान का सार क्या है? तो यह उद्देशिका है, याद रखिएगा। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एनए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड होता ना, जैसे आप स्कूल में कॉलेज में गए होंगे तो नहीं पूछता आईडी कार्ड दो भैया, आइडेंटिटी कार्ड दो, या आप आधार हमारा क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी करने आधार दो, तो आधार क्या, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। तो स्वाभाविक है, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एनए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा, तो आइडेंटिटी कार्ड है, समझ सकते हैं आधार की तरह। यूज इन प्री मेंस, स्वाभाविक है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन करें, तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। अब ऐसा कोई प्रश्न है, आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तब आप तैयारी करिए, मैंने तो करा दिया आपको। आगे चलते हैं, उद्देशिका का आधार क्या है, यानी कि भाई चलो आई कहां से, परिचय पत्र भी हो गया, अब इसका बेस क्या है, याद रखिएगा बेस क्या है।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है कि नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव, इसका आधार क्या? उद्देश्य का उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमने पहले भी पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन फिलॉसफी की झलक थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है यहां तक पिक्चर? अब देखिए, अब इसका यूज करते हैं, ये तो हो गया फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, अब इसका यूज करते हैं भाई, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? तो फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट का यूज, उद्देशिका में उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है जिनके आधार पर संविधान की संरचना की गई है, स्पष्ट कीजिए। उद्देशिका में उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है जिनके आधार पर संविधान की रचना की गई है, स्वाभाविक है तो उद्देशिका, ठीक है ना, जो प्रस्तुत किया गया, तो आप विचार करिएगा इस प्रश्न के ऊपर, उद्देशिका और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या अंतर है, ठीक है, तो यह भी आप विचार करिएगा। उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव यह है और उद्देशिका, सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव यह है, उद्देशिका जो भी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, वो उद्देशिका हो गई, ठीक है ना। तो उद्देशिका में उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है जिनके आधार पर संविधान की संरचना की गई है, उद्देशिका। तो अब हम उद्देशिका पढ़ने जा रहे हैं और उसके आधारभूत सिद्धांत और फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उद्देशिका और उसके पीछे की फिलॉसफी। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, तब यह प्रश्न आसानी के साथ आपसे टैकल हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना, आइए देखें हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, जो जो शब्द अलग कलर से अंडरलाइन है, येलो वाला, वही समझेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में इन्हीं अंडरलाइन किए गए वर्ड्स को मुख्य परीक्षा में बना के पूछता है एक, और प्रीलिम्स में भी हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा क्या है, हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा क्या है, गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय शब्द पकड़िएगा, सुनिश्चित न्याय, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अपने आप को इसके प्रति समर्पित करते हैं। तो ये देखिए, ये आपको याद होनी चाहिए, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, इसको आपको याद कर लेना है, क्लियर है। चलिए अब यहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब प्रस्तावना के तत्व जो भी थे, अब उनकी डिटेलिंग यहां हो जाएगी, तो आप आसानी के साथ उसको समझ जाएंगे। देखिए प्रस्तावना में क्या, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या कहा गया, यानी कि संविधान के आधार का स्रोत क्या है, तो क्या है, मान लीजिए प्रीलिम्स से पूछे संविधान के आधार का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे हम भारत के लोग, लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग, तो संविधान का आधार क्या, भारत के लोग हैं। अब देखिए समझना है आपको हर एक चीज को, तो क्या है, यानी क्या कह रहा, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोग हो गए संविधान के अधिकार का स्रोत। फिर भारत की प्रकृति कहती है, यानी नेचर, अब यह भी पूछ ले प्रस्तावना के हिसाब से भारत की प्रकृति कैसी है, कि भारत क्या है, एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक देश है, यानी प्रकृति क्या है, पकड़िएगा, प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक, इसीलिए एक एक चीज को वहां डिफाइन करें, इसका नेचर है ये, याद रखिएगा इसका या नेचर है, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय स्वतंत्रता समता व बंधुत्व की स्थापना करना, और संविधान लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949, और बाद में संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
अब आइए देखें कुछ टर्म्स आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें वैसे भी जानना चाहिए। जैसे पहला शब्द है संप्रभुता, आया है ना संप्रभुता शब्द, आया कि नहीं आया विचार करिए, संप्रभुता चेक करिए आया है कि नहीं आया, क्लियर है संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ रहे हैं ना। तो ये जो शब्द आए हैं संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो स्वाभाविक है इस शब्द को कैसे, जैसे संप्रभुता सॉबरेंटी, तो इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सॉबरेंटी का अर्थ क्या है। तो सॉबरेंटी का अर्थ क्या है, भारत ना तो किसी अन्य देश के अधीन है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है या उसका कोई एक प्रांत है, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो संप्रभु है। याद रखिएगा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी स्वेच्छा से करेगा जिसका आधार संविधान है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यह अपने मामलों आंतरिक अथवा बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, यानी अपनी इंटरनल पॉलिसी अपनी फॉरेन पॉलिसी वह अपने ढंग से क्या करेगा वह कर सकता है, यह पॉइंट है यहां पर। अब देखिए क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बने संप्रभु शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन गलत है सही है, विचार करिए। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, क्या है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। दूसरा, किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप खुद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं आप, क्लियर है। समाजवादी शब्द आया है कि नहीं आया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी आया कि नहीं आया, देख सकते हैं समाजवादी आया कि नहीं आया। फिर धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक, तब आप पकड़े रहिएगा, बार बार पीछे नहीं आऊंगा, बस आपको केवल कंटेंट के साथ बांधने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि जिससे आप कंटेंट के साथ बंधे रहें। समाजवादी क्या है, यानी कि समाजवादी, अब आप देखिए बयालीसवां संविधान संशोधन, कौन सा 42nd संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन 1976, बेटे डेट सब लोगों की याद रखनी है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है कहता है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, चीन की तरह नहीं है, लोकतांत्रिक यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जनता के उत्थान के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का निर्वहन करे, जिसे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। तो यह पॉइंट आप यहां से बना सकते हैं। इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो स्वाभाविक ये वाला नहीं है, वो कौन सा है भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते चलिए। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है, गरीबी उपेक्षा बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रीलिम्स में एक लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसको 2-3 बार पढ़िएगा, वहां पर जो भी लैंग्वेज में प्रश्न आएगा हिट करेंगे। उदारीकरण निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 एलपीजी ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया है, स्वाभाविक है बाजार आ गया है, क्लियर है, तो थोड़ा सा लचीला हो गया है। अब देखिए प्रश्न है लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या समझते हैं, मैंने कहा ना आंसर राइटिंग आपको करनी है, क्या करनी है आंसर राइटिंग की कला सीखनी है, तो कैसे सीखनी है, पहले छोटे छोटे आंसर लिखेंगे, जो नए बच्चे हैं ना तो क्या करेंगे पहले छोटा छोटा, तो ये छोटा छोटा लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या है यह पंक्ति आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, तो आंसर राइटिंग मेंस आपका तैयार होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे से बड़ा बनिए, बड़े से एकदम बड़ा कोई नहीं बन पाता। पंथ निरपेक्ष शब्द है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया, यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से यानी जो शब्द है स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। तो कल मैंने आपको बताई दिया था धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है।
अब देखिए इसका यूज करते हैं फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एबीसीडी आपके सामने है, आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिए। अनुच्छेद 25, 26 आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना, 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है, तो ये सारी बातें हैं। 27 क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर देने के लिए यानी टैक्स वगैरह बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28, सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यानी पंथ निरपेक्षता और 25 से 28, ठीक है ना। अब देखो आईएएस में क्वेश्चन आया था, अभी अभी प्रैक्टिस करनी, आगे हम विस्तार से, 2017 में आया था पेपर वन में, स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। अब आप देखिए ये आईएएस में प्रश्न आया था, अब आपको अगर धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं पता है, संविधान में उसका स्थान क्या है, उसका अर्थ क्या नहीं पता है, पंथ निरपेक्षता नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न को स्टार्ट करने में ही तकलीफ महसूस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए क्या लिखा, स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो धार्मिकता का मतलब क्या होता है, यानी आपका धर्म मेरा धर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके अपने अपने धर्म, अपने अपने विचार, अपने अपने विश्वास, अपने अपने आराध्य, आराध्य मतलब ईश्वर। तो आखिर जब हम सब आपस में अलग अलग रह रहे थे तो फिर यह प्रश्न क्यों आ रहा है, मतलब अलग अलग का मतलब अपने अपने विश्वासों के साथ अलग अलग, बाकी सब लोग एक साथ, तो धार्मिकता किस प्रकार। तो जब धार्मिकता में क्या होता है कि मेरा धर्म जब तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ हो जाए और उस श्रेष्ठता के भाव को कुछ विचारक या कुछ राजनेता कोई भी या कोई समाज उसे आगे लेकर के जाए, तब क्या होता है, समाज में धार्मिकता सांप्रदायिकता के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यानी मेरा धर्म तुम्हारे से श्रेष्ठ, याद रखिएगा, तो क्या होता है, या मेरे धर्म का हित तुम्हारे धर्म के हित से अलग है, तब क्या होता है, धार्मिकता सांप्रदायिकता के रूप में रूपांतरित हो जाती है। होती नहीं, सांप्रदायिकता वही आएगी जहां मेरा संप्रदाय तुम्हारे संप्रदाय से अच्छा या मेरा संप्रदाय तुम्हारे संप्रदाय से अलग है, ऐसे में तुम्हारे संप्रदाय की यह नीतियां हमारे संप्रदाय की दृष्टि से सही नहीं है, तो अब क्या होगा, धार्मिकता सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, मेरा धर्म जैसे ही श्रेष्ठ होकर के दूसरे धर्मों से मजबूत होगा वैसे ही सांप्रदायिकता पनपना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो धार्मिकता किस प्रकार, तो स्वतंत्र भारत में, तो आजादी के समय ही भारत के विभाजन से, क्योंकि सोसाइटी में पूछा है तो आप बता सकते हैं विभाजन के का आधार ही कहीं ना कहीं धर्म था, और विभाजन जैसे ही हुआ तो वह धर्म सांप्रदायिक रूप ले लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में क्या हो गए, गुत्थम गुत्था हुए, तो सांप्रदायिकता याद रखिएगा यानी धार्मिक आधार पर राष्ट्र का विभाजन किया गया और वह विभाजन सांप्रदायिकता का रूप अख्तियार कर लिया। उसके पश्चात भारत में संविधान अपनाया गया जिसमें धर्म निरपेक्षता का आदर्श था, क्या था, धर्म निरपेक्षता का आदर्श था, और आप देखेंगे एक लंबे समय तक सांप्रदायिकता नहीं आई उस, और फिर उसके बाद हमने धर्म निरपेक्षता से एक अगला चरण पंथ निरपेक्षता लिया, अभी आपने पढ़ा 42वें संविधान संशोधन से। लेकिन फिर 1990 के दशक में अयोध्या मंदिर विवाद से, और याद रखिएगा धार्मिकता क्या हुआ, यानी हमारे धार्मिक विचार क्या हुआ, सांप्रदायिकता वहां से, यानी कि जैसे ही वह विध्वंस हुआ तो दो संप्रदायों में संघर्ष और धार्मिकता क्या हुई, सांप्रदायिकता के रूप में रूपांतरित हुई। हुई कि नहीं हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो स्वाभाविक है इसका एक उदाहरण, तो अयोध्या वाला मामला इसका उदाहरण है, आपको लिखना चाहिए, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। तो धार्मिकता क्या, सांप्रदायिकता मैंने बता ही दिया, क्लियर है, धर्म यानी हमारा धार्मिक विश्वास, सांप्रदायिकता मतलब कि जब मेरा धार्मिक विश्वास दूसरे धर्म के धार्मिक विश्वास से मतभेद रखने लग जाए, और मतभेद के आधार कई होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 27 हो गया। अब देखिए एक प्रश्न और आया था इन सब पर, क्या आया था, धर्म निरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्म निरपेक्षवाद के पाश्चात्य मॉडल से किन बातों में भिन्न है, चर्चा कीजिए। यह भी आया था सोसाइटी खंड आईएएस पेपर 1 2018 में। अब आप देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं।
तो क्या कह रहा, धर्म निरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्म निरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है। तो यही है भिन्न, भारतीय धर्म निरपेक्षता कि भारतीय धर्म निरपेक्षता में अभी आपने पढ़ा ना, संविधान में है कि किसी भी व्यक्ति को अपना मानना, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करना और इस ये 27 और 28 के माध्यम से जो भी संरक्षण दिए गए हैं, यानी कि पश्चिम में राज्य का धर्म से बिल्कुल अलग है, वहां अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को संवैधानिक आधार पर संरक्षण प्रदान किया गया। तो अभी संक्षेप में इतना ही, जब मुख्य क्लासेस का सेशन लूंगा तो धर्म निरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना पाश्चात्य मॉडल से इसी अर्थ में भिन्न है। याद रखिएगा कि भारतीय मॉडल में हस्तक्षेप है जिसके कारण से अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं, पाश्चात्य मॉडल में जो भी अल्पसंख्यक, वो चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हिंदू भी हो या कोई भी हो, वहां पे मुस्लिम हो, उनके अधिकार नहीं, वहां केवल ईसाइयों के ही अधिकार उस राज्य के अधिकार के रूप में माने जाते हैं। तो ये अलग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक शब्द, यानी कौन सा शब्द, लोकतांत्रिक शब्द। तो क्या है लोकतांत्रिक, प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है और इसमें कहा गया सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। क्या है सर्वोच्च शक्ति, किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। याद रखिएगा लोकतांत्रिक का अर्थ यही हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। याद रखिएगा ये क्या होता है, लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में आज भी है। कैसे, परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम के द्वारा, पहल इनिशिएटिव के द्वारा, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं स्वाभाविक है, अब वो वर्तमान में तो संभव नहीं है क्योंकि इतनी आबादी हो गई, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया। ये तो छोटे के लिए है कि भाई 50-100 लोग, 500 लोग इकट्ठा हो गए, भाई हाथ उठाओ, कौन चाहता है, जितने अधिक लोगों ने हाथ उठा दिया वो जो है पॉलिसी बन गई। तो ये तो छोटे में हो सकता है। तो यानी भारत में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था, सर्वोच्च शक्ति इसमें जनता के हाथ में, लेकिन वो इलेक्टोरल माध्यम से होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अब लोकतंत्र क्या है आप लिखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क है, जरा सोचिएगा इन सब मुद्दों पे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। जैसे आपका लोकतंत्र है, यह दो प्रकार का है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन, यानी अध्यक्षात्मक, तो अपना क्या है संसदीय है। भारतीय लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र से किस प्रकार भिन्न है, अब आप फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए मजे के लिए, यानी सभी प्रश्न ऐसा नहीं कि यूपीएससी में आए, कुछ ऐसे प्रश्नों पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो यूपीएससी में ना भी आए तो भी आपको करना चाहिए। तो भारतीय लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र से किस प्रकार भिन्न है चर्चा कीजिए, तो आप देख सकते हैं, यानी वहां प्रत्यक्ष है और यहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र है। क्या है, ये वाला लोकतंत्र है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों, यानी कार्यपालिका मतलब सरकार, और कार्यों के लिए विधायिका, विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। फिर यह क्वेश्चन है आपका कि संविधान की, क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक शब्द में, लोकतांत्रिक शब्द में क्या क्या शामिल है, तो पहला राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक लोकतंत्र, ये तीनों शामिल है, याद रखिएगा। तो प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है, प्रैक्टिस करिए। तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द में केवल राजनीतिक लोकतंत्र को शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे गलत है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो आप कहेंगे सही है। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको खुद यह विचार करना है। अब आते हैं गणतंत्र शब्द, वहां पर गणतंत्र लिखा हुआ है, तो गणतंत्र के बारे में क्या क्या है आप देख सकते हैं। राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में, यानी क्या है, राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में है, यही है गणतंत्र, याद रखिएगा। किसी एक व्यक्ति यानी राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में है, यह है गणतंत्र।
अगला क्या है कि हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा, यह है गणतंत्र। भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, याद रखिएगा, चुनाव के जरिए सत्ता में आता, यह है गणतंत्र। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता, 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, तो याद रखिएगा गणतंत्र। अब देखिए क्वेश्चन, उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिरक्षणीय है। अब देख सकते हैं आईएएस कैसे प्रश्न पूछता है। अब आप विचार करिए, क्या आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझाए जाते हैं, तो ओके, नहीं समझाए जाते हैं तो आपको बहुत गहरे स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। तो प्रस्तावना में शब्द गणराज्य क्या है, तो आप ये देख सकते हैं शब्द गणराज्य के साथ यही सारे, यानी आपको क्लियर कर देना है कि गणराज्य के साथ, यानी गणराज्य के बारे में क्या क्या अर्थ निहित है संविधान की प्रस्तावना में। तो याद रखिएगा, प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षणीय का मतलब होता है कि क्या गणतंत्र के की जो विशेषताएं हैं वह आज प्रतिरक्षणीय है, यानी वह बेहतर ढंग से आज भी संचालित हो रहे हैं। तो बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहां विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका, इन तीनों के संतुलन के द्वारा ये जो गणतंत्र की विशेषताएं हैं इसका संरक्षण हमेशा होता है। जब भी कोई संकट आता है तो न्यायपालिका उसको मूल आधारित संरचना मानते हुए उस पर डिस्कस कर सकती है, या उसके पास राइट है, तो स्वाभाविक है प्रतिरक्षणीय है। मैं विस्तार से अभी आप लोगों को जब मेंस में आंसर राइटिंग कराऊंगा तो वहां से आप लोगों को करना है। न्याय, न्याय आ गया। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, है कि नहीं है। याद रखिएगा, सामाजिक न्याय की सभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, ये सब पहुंचना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब होता है संपत्ति का वितरण इस प्रकार से सुनिश्चित हो कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक भी संसाधन पहुंच सके। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों, कमजोर वंचित वर्गों को भी राजनीति में भागीदारी मिले। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी, ये क्या है, न्याय है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है, यह भी आप जान लीजिए। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, किसको, मेन एंड वुमेन बोथ, डेफिनेशन चेंज करने का समय, प्रैक्टिस मेक मेन्स वुमेन परफेक्ट, याद रखिए। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या है, तो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार, समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार, देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका। अब क्या है, उद्देशिका में परिकल्पित सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, क्या है उद्देशिका में परिकल्पित सामाजिक न्याय की अवधारणा, तो आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा उसकी आंसर और आंसर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे बूंद बूंद से सागर हमारा भर जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। किसमें, संपदा, आय व संपत्ति की असमानता, तो मैंने अभी बताया संसाधनों का वितरण ऐसे करना कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक भी संसाधन पहुंचे, जैसे सरकार की योजना आयुष्मान योजना, पीएम किसान, ये सब, ठीक है ना, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन अनुपाती न्याय को प्रतिबिंबित करता है, तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय, यानी एक अनुपात में न्याय मिलना, सामाजिक अनुपात, आर्थिक अनुपात को अगर मिला दिया जाए तो उसे अनुपाती न्याय बोलते हैं, यानी कि अनुपात में न्याय मिल रहा है, यानी सामाजिक आर्थिक यह एक अनुपातिक रूप से सबको मिलना चाहिए, तो अनुपाती न्याय। तो अब आपको बताइए क्या है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, सामाजिक न्याय, उत्तर क्या होगा, आप विचार कर सकते हैं, तो आप क्लियर है तो देख सकते हैं आप प्रैक्टिस कैसे करनी है। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार, तो मैंने बता ही दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को कहां से लिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया, कहां से लिया गया, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं आप लोगों को तैयार कर दूंगा। मैंने कहा गांव गांव के मेरे जो बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, विशेषकर बीकर सेक्शन के बच्चे, याद रखिएगा हम घर पे बैठ करके आप तैयारी करेंगे, इस बात की आप, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। एक एक चीज ऐसे प्रैक्टिस करिए, यहां पर भी
आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वैसे ही है, चाहे कोई बच्चा 4 साल से कोचिंग कर रहा हो, चाहे 3 साल से आंसर राइटिंग नहीं आती है, इसलिए आप किसी से पीछे नहीं है, घर बैठ करके आप तैयारी करिए, आप चैंपियन बन सकते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आ गया, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, यानी आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी बातचीत कर सकते हैं, कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ भी कह सकते हैं, हम कहते ही हैं। तो साथ ही व्यक्ति के, ये क्या है स्वतंत्रता, क्या है व्यक्ति के विश्वास के लिए आवश्यक है, स्वाभाविक है। तो प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, करती है कि नहीं करती है? प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए, यानी कि मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद 13 से लेकर के, मतलब जो इंप्लीमेंट होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जितना आप याद करिए, कल हमने पढ़ा था ना, तो मौलिक अधिकारों के जरिए यह सुनिश्चित करती है स्वतंत्रता, और अगर इनका हनन हो जाए तो न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया, उस सब आप लोगों ने पढ़ा। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता शब्द को कहां से लिया गया है, तो आप प्रैक्टिस करिए जबरदस्त रूप से। अब अगला आता है समता। समता का अर्थ क्या, ये प्री में आ जाएगा, प्री में आ जाएगा, समता का क्या अर्थ है, तो समता का क्या अर्थ है, आइए यहां से पकड़ लेते हैं, किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी किसी के लिए भी कोई विशेषाधिकार नहीं है, सब समान है। तो यही पॉइंट रख लीजिए, किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। समता के 3 आयाम है, नागरिक समता, राजनीतिक समता और आर्थिक समता। क्या है, नागरिक समता, राजनीतिक समता और आर्थिक समता। उद्देशिका में उल्लिखित समता शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आपके सामने देख सकते हैं, क्लियर है, आगे चलते हैं। बंधुत्व क्या है, बंधुत्व क्या है, भाईचारे की भावना। बंधुत्व क्या है, भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता, क्या करता है, संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। तो ये दोनों ही क्या है, बंधुत्व है। भारत में, अब देखिए आईएएस पेपर 2008 में क्वेश्चन आया था, भारत में राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने की समस्याएं क्या क्या है, तो स्वाभाविक है एक पॉइंट आएगा, जब हमारा बंधुत्व वाला मूल्य कमजोर हो जाएगा, यानी अगर हमारा बंधुत्व वाला मूल्य कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने में एक बड़ी समस्या ये आ जाएगी। और अभी आपने सांप्रदायिकता किया था, तो जब सांप्रदायिकता आई जाएगी, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। 2 पॉइंट अभी आप यहां से सीख लीजिए। संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व या भाईचारे की परिकल्पना की गई है, हम किस सीमा तक इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे हैं, विचार कीजिए, यह फ्यूचर का क्वेश्चन है। तो बंधुत्व स्पष्ट कर दीजिए, हम किस सीमा तक, तो स्वाभाविक बड़ी सीमा तक। आज भी हम भारतीय इतनी विविधता के बाद एकता के साथ रहते हैं, कई चिंताएं आती हैं, जैसे आप वर्तमान में CA NRC का जिक्र कर सकते हैं, तो आती हैं, लेकिन फिर भी हम उसका समाधान ढूंढ लेते हैं और बेहतर ढंग से रह रहे हैं। तो बंधुत्व छोटा छोटा ये प्रैक्टिस करिए, याद रखिएगा कि संविधान के उद्देशिका में बंधुत्व की परिकल्पना, अब आप इसको बताइए, हाँ की गई है, उसका अर्थ ये है हम किस सीमा तक इस उद्देश्य को पूरा कर पाए हैं, तो व्यक्ति का सम्मान, बिल्कुल हमारे यहां व्यक्ति का सम्मान है, व्यक्ति मतलब नागरिक भी और विदेशी भी दोनों। अभी हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो यह प्रश्न और खुलेगा, कोई भी बच्चा ये नहीं समझेगा कि यहीं से आप प्रश्न हल कर पाएंगे, जब पूरा पॉलिटी खत्म हो जाता है तब हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, तुरंत सब पा लेना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे फिर क्या होते हैं, थोड़े टाइम के बाद उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मिल नहीं रहा। आप पहले शुरू से अंत तक चलो, आपको सब मिलेगा, याद रखिएगा, लेकिन इतना ऊर्जा, इतना जोश होता कहां है, थोड़े टाइम के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। आप ये बताइए, ठंडे पड़ जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, क्या करेंगे, नुकसान किसका है, जो ठंडा पड़ा, जो निगेटिव हुआ, नुकसान तो उसी का हो रहा है ना। तो अब आपको ये विचार करना है, जैसे होता नहीं बच्चे 1-2 महीना बड़ा एनर्जी रहती है, उसके बाद वो डाइवर्ट हो जाते हैं, चूंकि कोई मिला, किसी ने बता दिया। आपको अपने फ्यूचर का निर्माता स्वयं बनना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, कोसों दूर, कोई नेगेटिव बात करे 1 किलोमीटर दूर चले, भैया माफ करो, बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो ये हो गया, व्यक्ति का सम्मान भी सुनिश्चित है और देश की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित है, याद रखिएगा। प्रस्तावना का महत्व, अंत में अब हम देख रहे हैं महत्व, यानी कि यह उस आधारभूत दर्शन और क्या है प्रस्तावना का महत्व। वैसे ही अगर आप इसको ना देखें तो महत्व क्या है, यानी अभी आपने जो भी पढ़ा,
महत्व में क्या, एक एक चीज डिफाइन किया गया, प्रस्तावना का महत्व, हम भारत के लोग यानी नागरिकों की बात, यानी इस व्यवस्था के केंद्र में नागरिक है, यानी कि जो पूरी संप्रभुता है वो नागरिक के हाथों में है, नागरिक ही अपना शासक चुनती है, नागरिक ही अपने शासकों को हटा सकती है, और जिनको चुनती है उनका दायित्व है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, प्रत्येक व्यक्ति के विचार विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अगर वो नहीं कर पाती है तो अगली बार इलेक्शन में आती है ना, जनता ही उनको हटाती है। तो प्रस्तावना बड़ा महत्व है, याद रखिए, पहले तो लोकतंत्र के दर्शन को प्रकट करती है, यह महत्व है, और फिर इसके बाद क्या करती है, शासन के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है, यह महत्व है, याद रखिएगा, ये दोनों इसके कंक्रीट इंपॉर्टेंस या कंक्रीट महत्व है। तो संविधान की प्रस्तावना इस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे। और वैसे भी आप विचार करें कि अगर हम यूपीएससी के एंगल से इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो आप जब सामाजिक न्याय पे कोई चीज लिखेंगे, सोशल जस्टिस पे, क्या संविधान की प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति के विचार विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता के रक्षण को क्या सामाजिक न्याय में नहीं लाएंगे? सबरीमाला का जो विवाद था उसमें महिलाओं का जो प्रवेश वर्जित है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन क्या एक सभ्य एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं जहां पर महिलाओं का किसी एक मंदिर विशेष में किसी एक विशेष कारण से जाना या प्रवेश वर्जित हो? तो करंट के इश्यूज और प्लस यूपीएससी जो आपसे पूछे, दोनों को मैच करते चलिए, काम होता चला जाएगा। मैंने पहले कहा एम लक्ष्मीकांत सर से काम नहीं होगा, काम होगा, आप पढ़ते जाइए। और हिंदू, द हिंदू का एनालिसिस तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रस्तावना, फिर आप जब सामाजिक न्याय पर लिखें, एथिक्स में पूछा संवैधानिक नैतिकता क्या है, उसका अनुरक्षण कैसे किया जाए, तो संवैधानिक नैतिकता लिखना है तो यही लिख दो, संविधान की प्रस्तावना ही संवैधानिक नैतिकता है, शासन उसी को आदर्श मान करके चलता है, प्रस्तावना यही है, यानी एक प्रकार की दिशा प्रदान करती है, किसको, एक प्रकार से मार्गदर्शक है, एक प्रकार से प्रकाश है, किसका, सरकार का, शासन का, ठीक है। चलिए चलते, उद्देशिका के संबंध में दो प्रमुख बातें हैं, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है ना उसकी शक्तियों पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यह आदर्श के रूप में है, याद रखिएगा, यह गैर न्यायिक है, इसका न्यायालय में उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये न्याय योग्य नहीं, आदर्श की तरह है ये, याद रखिएगा। और ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं, इसका मतलब क्या है कि संसद इसको अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसकी शक्ति युक्ति का स्रोत नहीं, वो कहे कि हम ये स्थापित करना चाहते हैं इसलिए यह कानून बना रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आदर्श है, आप इसका अनुपालन करिए, ठीक है, ये आपको किसी प्रकार से शक्तिमान नहीं करती है, और यह गैर न्यायिक है, न्याय से इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी व्यवस्था जो भी है, मतलब इसमें व्यवस्था का मतलब जो शब्द आए उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, मतलब ये मुद्दे उठ ही नहीं सकते हैं न्यायालय में, ये मुद्दे क्या हैं, यह आपके आदर्श हैं, तो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, एक नागरिक के लिए भी आदर्श है, तो आपको याद होना चाहिए। निबंध मान लीजिए लिखना है, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, तो हम प्रस्तावना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात। प्रैक्टिस उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को सीमित करती है, उद्देशिका के प्रावधानों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को बाध्य कर सकता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, क्या बाध्य कर सकता है, लिखा हुआ है, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को सीमित करती है, क्या लिखा हुआ है, दोनों प्रश्न विचार करिए और आंसर आपको देना है, बार बार कोशिश करिए, तो स्वाभाविक है नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करिए इसकी। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, अब और भी कुछ बातें हैं, जैसे बेरूबाड़ी, यहां एक बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, याद रखिएगा, वो आदर्श है। केशवानंद भारती 1973 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यानी केशवानंद भारती मामले के द्वारा यह माना गया कि यह प्रस्तावना एक भाग है, याद रखिएगा, तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक भाग है। मेहनत करिए, सारे प्रश्न बनाइए, प्रैक्टिस करिए और हमारे मोटो को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, सफल होइए
और मैं सबसे कह रहा हूं द हिंदू की क्लास डेली 9 बजे सुबह आता हूं। याद रखिएगा, आप लाइव नहीं भी आ पाते हैं तो भी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे अगस्त से मैं लेक्चर ले रहा हूं। आप द हिंदू जरूर फॉलो करिए, कहीं भी फॉलो करते हो सबका सम्मान है, पर एक बार आप इस चैनल पर आकर के इस लेक्चर को सुने, निर्णय आपके हाथ में है। नहीं अच्छा लगे तो आप ना करें, याद रखे पर आपको अच्छा लगेगा, यह मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। मेहनत करिए, याद रखिएगा 2 फरवरी हिंदी मीडियम क्यों पढ़े, द हिंदू और नोट्स कैसे बनाए, दोनों पर एक विस्तृत चर्चा होने वाली है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर ढंग से चीजों को समझेंगे, उसे लागू करेंगे। और मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। एडमिशन के लिए कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो 9871385211 एसके लाइव कोड भूलना नहीं है, याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद सुबह द हिंदू 9 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।